ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 उपसंहार सन्यास की सिद्धि के श्लोक संख्या 34 इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, या तू धर्म कामार्थान धृत्या धारे तेर जुन, जिस धृति के द्वारा धर्म अर्थ और काम को धारण करता है मनुष्य, तो ये वो धृति राजसी है यानी रजोगुणी है। ये संकल्प शक्ति रजोगुणी है, जिस संकल्प शक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों को धारण करता है। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने सात्विकी धृति का वर्णन किया था, जिसमें कि कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति तत्पर होकर के मन प्राण इंद्रिय को बस में करता है, और यहाँ रजोगुणी में क्या है, धर्म अर्थ और काम, मोक्ष नहीं है, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती हैं, वह रजोगुणी होता है। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। हाँ, तो रजोगुणी जो धारणा है या धृति है, तो इसमें धर्म अर्थ और काम तीन चीजें हैं। काम का मतलब इंद्रिय तृप्ति है ना, लेकिन धर्म रहता है, रजोगुण में धर्म रहता है और इंद्रिय तृप्ति, और इंद्रिय तृप्ति के द्वारा फिर कोई व्यक्ति पाप भी करता है ना। काम भगवान का काम शत्रु है जो पाप कराता है। तो रजोगुण में क्या है, धर्म भी अधर्म दोनों का मिश्रण रहता है, और धर्म में भी कोई व्यक्ति काफी धर्म भी संचित कर सकता है, बहुत पुण्य भी संचय कर सकता है, हैं? और काम के बस में होकर के किसी भी समय वो पाप कर्म में फंस सकता है, तो बहुत ज्यादा पाप कर्म में भी फंस सकता है। रजोगुण में बड़ा खतरा है, इधर भी इस साइड में भी काफी कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उस साइड में भी काफी आगे बढ़ सकता है। बहुत जो है ना, मतलब अनिश्चित रहता है, रजोगुण में व्यक्ति बहुत अनिश्चित है। तमोगुण में तो नीचे जाएगा, है कि नहीं, और सत्वगुण में ऊपर जाएगा। नहीं, रजोगुण में कोई व्यक्ति जो है ना ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, है ना, मतलब ये है, स्थिरता नहीं है रजोगुण में भी, है ना। तो अब हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव शिक्षा देते हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं तो किस प्रकार से धर्म अर्थ काम को धारण करते हैं। गृह मेधी उनको कहा गया है, गृह मेधी। तो ये तीसरे स्कंद का 32वां अध्याय है, कर्म बंधन, इसमें कर्म बंधन है। मोक्ष, वैसे मनुष्य के जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। तो मोक्ष का मतलब है कर्म बंधन से छूटने की इच्छा करना, है ना। लेकिन रजोगुण में कोई व्यक्ति कर्म बंधन से छूटने की इच्छा नहीं करता है, धर्म अर्थ काम इन तीन चीजों को ही धारण करता है, है ना। तो कपिल भगवान बताते हैं, माता देवहूति से कहते हैं कि गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है, मतलब धर्म से अर्थ, है ना, और इस तरह वह आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। मतलब काम, धर्म अर्थ काम, धार्मिक कार्यों से अर्थ की प्राप्ति करना और अर्थ से काम यानी इंद्रिय तृप्ति करना, हा? तो वो व्यक्ति पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है, फिर धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, फिर धार्मिक कार्य, फिर उससे धन की प्राप्ति, और फिर उससे फिर काम भोग प्राप्त करने, ये चलता रहता है। अथयो गृह मेधियां धर्माने वा वसन गृहे, काममर्थम च धर्मान स्वान दोग्धे भोयाहं पिपर्तीतां। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो गृह मेधी और दूसरे गृहस्थ, है ना। गृहस्थ आश्रम होता है जिसमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब कार्य किए जाते हैं, और दूसरा होता है गृह मेधी, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, गृह मेधी का जीवन लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति, धर्म का आचरण करना, लेकिन उससे धन की प्राप्ति और फिर
जो लक्ष्य है वो अंतिम लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति करना। और गृहस्थ आश्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार, है ना। यह भगवान गृह मेधी के संबंध में अथवा उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जो इस जगत में बना रहना चाहता है, है ना। वो दोबारा जन्म लेना चाहता है तो क्यों, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। वो चाहता है कि मुझे अच्छा जन्म मिले, अच्छे कुल में जन्म मिले, राजा के परिवार में जन्म मिले, या स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, पितृलोक में जाएंगे, विद्याधरों के लोक में जाएंगे। तो इस तरह से जो है इस भौतिक संसार में कई प्रकार की स्थितियों में वो जो है जीवन का भोग करना चाहता है। उसके अंदर कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, है? इस तरह से भोग करना, उस तरह से भोग करना, और सुखी रहने की कई प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उसका कार्य है कि आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे और अंततः अपने इंद्रियों को तुष्ट करे। उसे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति धनी बनने और अच्छी तरह से रहने और खाने पीने के लिए जीवन भर कठोर श्रम करता है। वो किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्ग लोक को जाना चाहता है, किंतु वह आवागमन को रोकना नहीं चाहता और न संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गृह में भी कहलाता है। अब गृहस्थ क्या है? गृहस्थ वह व्यक्ति है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों तथा कुटुंबियों के साथ रहता है, किंतु उनसे कोई लगाव नहीं रखता। वह साधु या सन्यासी न बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचना रहता है। गृहस्थ आश्रम, किंतु यह कपिल देव गृह मेधी के विषय में बता रहे हैं जिनका लक्ष्य भौतिकतावादी संपन्न जीवन बिताना है। तो गृहस्थ आप समझिए सत्वगुण में है और गृह मेधी रजोगुण में। तो प्रभुपाद लिखते हैं, गृह मेधी के विषय में कपिल देव बता रहे हैं जिनका लक्ष्य भौतिकवादी संपन्न जीवन बिताना है और जिसे वे यज्ञ दान तथा सत्कर्म द्वारा प्राप्त करते हैं। इतना तो है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है वो, और धार्मिक कार्यों में विश्वास करता है, पुण्य कर्मों में विश्वास करता है, लेकिन ये सब किस लिए है? भोगने के लिए, काम इंद्रिय तृप्ति भोगने के लिए। वे अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, अतः वे अपने पुण्य कर्मों की कमाई का उपयोग करते हैं और बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा है, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, वे चर्वित को पुनः चर्वित करना पसंद करते हैं। समृद्ध होते हुए भी वे पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु ऐसे जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते। रजोगुणी। आगे कपिल भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। धर्म धर्म में आसक्त होते हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति में आसक्त नहीं होते। क्योंकि कृष्ण की भक्ति में तो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, है ना। तो इसलिए वो धर्म के द्वारा अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने और देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेते। देवताओं के व्रत करते हैं, पितरों के व्रत करते हैं, बड़े बड़े व्रत करते हैं, है ना, लेकिन क्यों, इस देवता को प्रसन्न करके मुझे ये सुख प्राप्त होगा, उस देवता को प्रसन्न करके ये सुख प्राप्त होगा। इसलिए सचापि भगवन धर्मा काम मूढ़ा परां मुखा यजते कतुभिर देवान पितृंशं श्रद्धयान्वितः। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता में 7:20 कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। 7:20 श्लोक भगवान कहते हैं, काम स्तस्ते हृदय ज्ञानम, कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो चुका है। प्रपद्यन्ते न देवता, इसलिए हम देवताओं की पूजा करते हैं, शरण लेते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, वे इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं, फलतः वे
देवताओं की देवताओं को पूजते हैं। निस्संदेह वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि जो धन स्वास्थ्य या विद्या का इच्छुक हो उसे देवताओं का पूजन करना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्ति की मांगे अनेक हैं, अतः उसकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले देवता भी अनेक हैं। जो गृह में भी समृद्ध जीवन बिताना चाहते हैं वे सामान्यतया पिंडदान द्वारा देवताओं या पितरों को पूजते हैं। ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति से विहीन होते हैं और भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं लेते। इस प्रकार का तथाकथित पवित्र और धार्मिक व्यक्ति निराकारवाद का प्रतिफल है। निर्विशेषवादियों की धारणा है कि परम सत्य के कोई रूप नहीं होता, अतः अपने लाभ के लिए चाहे जिस रूप की कल्पना करके उसकी पूजा कर ली जाए। अतः गृह में भी या भौतिकतावादी व्यक्ति कहते हैं कि वे भगवान की पूजा के लिए किसी देवता की पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से हिंदुओं में से जो लोग मांसाहारी हैं वे क्या करते हैं, वे काली की पूजा को उत्तम मानते हैं, क्योंकि देवी के समक्ष एक बकरे की बलि का विधान है। उनका कहना है कि कोई चाहे देवी काली की पूजा करे या भगवान विष्णु अथवा किसी देवता की, लक्ष्य एक सा होता है। ये उच्च कोटि का पाखंड है और ऐसे लोग पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु फिर भी उन्हें यही सिद्धांत पसंद है। भगवद्गीता ऐसे पाखंड को स्वीकार नहीं करती, इसलिए भगवद्गीता में साफ कह दिया है कि उनका ज्ञान खत्म हो चुका है जो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। उसमें स्पष्ट उल्लेख है, किसमें, भगवद्गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी विधियां बुद्धि भ्रष्ट लोगों के लिए हैं। यहाँ इसी न्याय की पुष्टि की गई है और इसीलिए काम मूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। काम मूढ़ा। जिसका अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियां खो दी हैं या जो इंद्रिय तुष्टि के लिए काम वासना से अंधा हो चुका है। काम मूढ़ लोग कृष्ण भक्ति तथा भक्ति से विहीन होते हैं और इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से अंधे बने रहते हैं। देवताओं के पूजने की निंदा भगवत गीता तथा भागवत दोनों में की गई है। आगे कपिल भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर, देखो जैसे आज का श्लोक है, धर्म अर्थ काम को धारण कर दें, इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जाते हैं, जहां वे सोमरस का पान करते हैं और फिर इसी लोक में लौट आते हैं। तच्छ्रद्धया क्रांतिमतीं पितृदेव व्रता पुमान गत्वा चांद्रमसं लोकं सोमपापुनरेशति। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, चंद्रमा को स्वर्ग का एक लोक माना जाता है। विभिन्न वेद विहित यज्ञों जैसे देवों एवं पितरों की पूजा संपन्न करने पर मनुष्य इस लोक को जाता है, किंतु कोई यहाँ अधिक काल तक नहीं रह पाता। देवताओं की गणना के अनुसार चंद्रमा पर जीवन की अवधि 10,000 वर्ष है और देवताओं की काल गणना में एक दिन जो 12 घंटे यहाँ के 6 महीने के बराबर होते हैं। तो सोचो यहाँ के हिसाब से कितनी बड़ी आयु हो गई, 60,000 साल नहीं ज्यादा होगा। देवताओं के 10,000 साल है ना, देवताओं का 1 साल यहाँ के 360 साल के बराबर होता है ना। तो 10,000 में 360 का गुणा करो तो 360 में 10,000 का गुणा करने से कितना होता है, तो पहले 100 से गुणा करो तो 36,000 होता है, फिर 100 से गुणा करो तो 36 लाख होता है। तो 36 लाख वर्ष यहाँ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से उनका जीवन अवधि है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, चंद्रमा तक इस पुतनिक जैसे किसी भौतिक यान द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है, किंतु पुण्य कर्म करने से भौतिक भोगों के प्रति आसक्त लोग वहां पहुंच सकते हैं। जब यज्ञ कर्मों का पुण्य समाप्त हो जाता है तो चंद्रलोक तक पहुंच जाने पर भी मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 9:21 में हुई है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। तो देखा, रजोगुण में जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम को धारण करता है तो उसको ऊपर नीचे से ऊपर
और ऊपर से आना जाना पड़ता है। आगे, जब भगवान हरि सर्पों की सैया पर जैसे अनंत शेष कहते हैं सोते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोग जन्म चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोग सम्मिलित हैं, विलीन हो जाते हैं। तो भगवान जब सैया में सोते हैं, यानी ब्रह्मा जी की जब रात होती है, ब्रह्मा जी की जब रात आती है, तो स्वर्ग, मर्त्य और पाताल ये तीनों लोग डूब जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। यदा चाहिन्द्र सैयायाम शेते नंतासनो हरि तदा लोकालयम यान्ति तएते गृह मेधिनाम। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिकता के प्रति आसक्त लोग चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोक तक पहुंचने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। ऐसे कई स्वर्ग हैं जिन्हें वे दीर्घकालिक आयु तथा इंद्रिय भोग की सामग्री प्राप्त करके अधिकाधिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से चाहते हैं, किंतु आसक्त व्यक्ति ये नहीं जानते कि यदि किसी को उच्चतम लोक ब्रह्म लोक मिल भी जाए तो विनाश वहां भी विद्यमान रहता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भले ही कोई ब्रह्म लोक तक क्यों ना चला जाए, किंतु तो भी उसे वहां जन्म मरण रोग तथा जरा के कष्ट मिलेंगे। केवल भगवान के धाम वैकुंठ लोक पहुंचकर ही मनुष्य इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, किंतु गृह में भी इस लाभ का उपयोग नहीं चाहते। वे तो निरंतर एक शरीर से दूसरे में अथवा एक लोक से दूसरे लोक में देहांतरण को ही उत्तम समझते हैं। अब प्रलय, प्रभुपाद बताते हैं प्रलय के दो प्रकार हैं। एक प्रलय ब्रह्मा की मृत्यु के समय होता है, उस समय स्वर्गों सहित सारी स्वर्गिक प्रणालियां जल में विलीन होकर गर्भोदक सागर में सर्पों की सैया पर लेटे हुए विष्णु के शरीर में प्रवेश करती हैं, और दूसरा प्रलय ब्रह्मा के एक दिन के अंत में घटित होता है, जिसमें सभी निम्न लोक विनष्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी इस रात्रि के बीतने पर जागते हैं तो ये निम्न लोक पुनः उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि जो लोग देवों की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि जाती रहती है। वे अल्प ज्ञानी पुरुष ये नहीं जानते यदि वे स्वर्ग जाते भी हैं तो प्रलय के समय वे स्वयं देवतागण तथा उनके लोक विलीन हो जाएंगे। उन्हें इसकी सूचना नहीं रहती कि नित्य वरदान से पूर्ण जीवन प्राप्त किया जा सकता है। तो जो गृह मेदी हैं वे नहीं जानते हैं कि ब्रह्मा जी की जब रात शुरू होती है तो ये जितने भी लोग नीचे के लोग हैं इन सब की प्रलय हो जाती है, है ना, नष्ट हो जाते हैं। आगे कपिल भगवान कहते हैं, जो बुद्धिमान हैं और शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधान अनुसार कर्म करते हैं। यह है सात्विक। एष धर्मान् न दुर्यन्ति धीरा कामार्थ तवे निसंगा निस्त्य कर्माणां प्रशांतां शुद्ध चेतसं। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, इस प्रकार के पुरुष का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन क्षत्रिय थे और उनका धर्म क्या था, युद्ध करना। सामान्यतया राजा लोग अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए उस पर राज्य करते हैं। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करने से इनकार कर दिया है? उन्होंने कहा कि यद्यपि सज्जनों से युद्ध करके वो साम्राज्य प्राप्त कर सकता हूं, किंतु मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। किंतु जब कृष्ण ने आदेश दिया और जब वो भगवद गीता के उपदेशों से आश्वस्त हो गए कि उनका धर्म कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वे युद्ध करने लगे। कौन? अर्जुन। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं अपितु भगवान के संतोष के लिए युद्ध किया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग अपना निर्धारित कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वे निस्संग कहलाते हैं, अर्थात वे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। न्यस्त कर्माणा बताता है कि उनके कर्मों का फल भगवान को प्रदान कर दिया जाता है। ऐसे लोग अपना अपना कर्तव्य निर्वाह करते प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसे कर्म निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना होकर भगवान के लिए संपन्न किए जाते हैं। ऐसे भक्त प्रशांता अर्थात परम संतुष्ट कहलाते हैं। शुद्ध चेतना का अर्थ है कृष्ण भावना भावित, अर्थात जिसकी चेतना शुद्ध हो चुकी है। चेतना शुद्ध ना रहने पर मनुष्य अपने को ब्रह्मांड का स्वामी मानता है, किंतु शुद्ध चेतना होने पर वह
अपने को भगवान का शाश्वत दास मानता है, अपने को भगवान के शाश्वत दास के पद पर बिठाकर और निरंतर उन्हीं के लिए काम करते हुए वह वास्तव में संतुष्ट हो जाता है। जब तक कोई निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तब तक वह चिंता से पूर्ण रहता है। सामान्य चेतना और कृष्ण चेतना में यही अंतर है। फिर कपिल भगवान कहते हैं, जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से करते हैं। ये तो यहां सत्य मनसा कर्मसो श्रद्धयान्वितां कुर्वन्त्य प्रति सिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्नसः। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, भागवत के इस श्लोक में तथा अगले 6 श्लोकों में अत्यधिक आसक्त लोगों की आलोचना हुई है। शास्त्रों का आदेश है कि जो भौतिक सुखों को भोगने में बहुत अनुरक्त हैं, उन्हें इनका परित्याग करके कुछ अनुष्ठान करना होता है। उन्हें स्वर्ग पहुंचने के लिए दैनिक जीवन में कुछ विधि विधानों का पालन करना होता है। इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। जो लोग इस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं कि हर देवता पृथक ईश्वर है, वे कभी भी वैकुंठ नहीं जा सकते। उन लोगों की बात तो दूर रही जो अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए केवल कर्म करते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि जो किसी भी देवता की पूजा करते हैं कैसे, स्वतंत्र ईश्वर के रूप में, तो वे कभी भी कर्म बंधन से नहीं छूट सकते हैं। अब ये रजोगुण के कारण है। तो आगे कपिल भगवान कहते हैं, ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं। रजोगुण में क्या है? चिंता। इंद्रियों को वश में न कर सकने के कारण सदैव इंद्रिय तृप्ति की कामना करते रहते हैं। वे पितरों को पूजते हैं और अपने परिवार, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। ठीक है ना? तो वही है, देश सेवा, समाज सेवा के नाम पर ये सब है क्या? कोई रजोगुण है। रजोगुण में कोई व्यक्ति बहुत त्याग करता है, लेकिन किस लिए त्याग करता है? इंद्रिय तृप्ति, मेरे देशवासियों को इंद्रिय तृप्ति मिले, है ना? जैसे कि हमने एक घटना बताई थी कि महात्मा गांधी जब लंदन में गए थे तो वहां के जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने उनसे पूछा, महात्मा गांधी से, कि आपको यहाँ का जीवन कैसा लगा? तो महात्मा गांधी कहते हैं, अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय को इसी प्रकार का जीवन प्राप्त हो, इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो, है ना? तो क्या रजोगुण? अब वैसे कहने के लिए महात्मा है, बड़े महात्मा है, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी को ये सुविधा मिले, इसके लिए वो त्याग कर रहे हैं। उन्होंने इसलिए त्याग किया है अपने सुविधाओं का कि भाई दूसरे भारतवासियों को सुविधा नहीं मिली तो मैं क्यों सुविधाएं स्वीकार करूं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी को इस प्रकार जीवन की सुविधाएं मिले तो मैं भी सुविधाएं स्वीकार करूं, है ना? तो ऐसे देखने में तो लगता है कि बड़ा त्याग है, लेकिन ये त्याग किस में है? रजोगुण में, है ना? रजोगुण में। जब प्रभुपाद जी गए लंदन में और प्रभुपाद से जब पूछा कि आपको कैसा लगा यहाँ का जीवन, यहाँ का, तो जब लंदन के अधिकारियों ने प्रभुपाद से पूछा कि आपको यहाँ का जीवन कैसा लगा, तो प्रभुपाद कहते हैं, कुछ भी तो अच्छा नहीं है, यहाँ क्या संपन्नता है? कागज और प्लास्टिक की ही संपन्नता, और क्या है? कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने इस चीज को कोई सम्मान नहीं दिया। प्रभुपाद जी चाहते हैं जो है कैसा सादा जीवन, उच्च विचार, आध्यात्मिक नियमों का पालन करें लोग, है ना? अपने जीवन की आवश्यकताओं को घटाएं, है ना? और कृष्ण भावना भावित बने। तो प्रभुपाद जी चाहे इस प्रकार से, है ना? तो प्रभुपाद जी को महात्मा कोई नहीं जानता। तो ये जो है ना, जो असली महात्मा है वो ऐसे होते हैं, प्रभुपाद जी जैसे हैं। आगे रजसा कुंठ मनसाम जाते हैं, त्रिवर्ग मतलब धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की ही केवल
जो कामना करते हैं त्रैवर्गीय कहलाते हैं, क्योंकि वे तीन उन्नतिकारी विधियों यानी पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। वे उस भगवान से विमुख हो जाते हैं जो बद्ध जीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। वे भगवान की उन लीलाओं में कोई रुचि नहीं दिखाते जो भगवान के दिव्य विक्रम के कारण श्रवण करने योग्य हैं। भगवान का जन्म दिव्य पराक्रम है, श्रवण करने योग्य जो भगवान की लीलाएं हैं उनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है। त्रैवर्गिकास्ते पुरुषां विमुखां हरिमेधसः कथायां कथनीयोरुं विक्रमस्य मधुदिशः। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, वैदिक विचारधारा के अनुसार चार उन्नतिकारी सिद्धांत यानी पुरुषार्थ हैं, जिनके नाम है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। जो लोग भौतिक सुख में रुचि रखते हैं वे नियत कर्म करते रहते हैं। वे तीन उन्नतिकारी विधियों धर्म, अर्थ और काम में रुचि रखते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर वे भौतिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। फलतः भौतिकतावादी व्यक्ति केवल उन उन्नतिकारी विधियों में रुचि रखते हैं जिन्हें त्रैवर्ग कहा गया है। तय का अर्थ है तीन, अच्छा त्रय हाँ, और वर्ग का अर्थ है उन्नतिकारी विधियां। ऐसे पुरुष कभी भी भगवान के प्रति आसक्त नहीं होते, अपितु वे उनके विरुद्ध रहते हैं। यहाँ पर भगवान को हरिमेधा कहा गया है जिसका अर्थ है जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने वाला। भौतिकतावादी व्यक्ति कभी भी भगवान की आश्चर्यमय लीलाओं को सुनने के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाते, वे इन्हें कपोल कल्पित कहानियां मानते हैं। भगवान की जो कथाएं हैं उसको क्या मानते हैं? कपोल कल्पित, मतलब काल्पनिक हैं। कपोल कल्पित कहानियां मानते हैं और भगवान को भौतिक पुरुष मानते हैं। वे भक्ति या कृष्ण चेतना में अग्रसर होने के योग्य नहीं होते। ऐसे लोग समाचार पत्रों में छपी कहानियों, उपन्यासों तथा काल्पनिक नाटकों में रुचि दिखाते हैं। तो जो काल्पनिक कहानियां हैं तो इनको तो वास्तविक समझते हैं, वास्तविक की तरह उनमें रुचि रखते हैं, और जो वास्तविक भगवान की कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनको काल्पनिक मानते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा द्वारका में भगवान के कार्यकलाप जैसे भगवान के वास्तविक कार्यों का उल्लेख भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत में हुआ है। वे भगवान के कार्यकलापों से पूर्ण है, किंतु भौतिकतावादी पुरुष संसार में अपने पद को ऊपर उठाने में लगे रहते हैं और भगवान के ऐसे कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं लेते। वे किसी महान राजनीतिज्ञ या संसार के किसी परम धनवान व्यक्ति के कार्यकलापों में रुचि ले सकते हैं, किंतु परमेश्वर के कार्यकलापों में हरगिज नहीं। आगे, ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं, क्योंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं, अतः उनकी तुलना निष्ठा भोजी सूकरों से की गई है। निष्ठा भोजी मतलब मल खाने वाले सूअर। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को ना सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। कुत्सित का मतलब निंदनीय, निंदनीय कथाएं सुनते हैं। नूनम देवेन विहताम ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा श्रृण्वन्त सन्गाथा पुरेशमिव विभिन्नभुजः। तात्पर्य लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यकलापों को सुनने का इच्छुक रहता है, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, धनवान हो या काल्पनिक पात्र हो। ऐसा तमाम व्यर्थ साहित्य कहानियां तथा दर्शन की पुस्तकें हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसा साहित्य पढ़ने में अत्यंत रुचि लेते हैं, किंतु जब उनके सामने भगवद गीता, श्रीमद भागवत, विष्णु पुराण जैसे ज्ञान ग्रंथ तथा विश्व के अन्य शास्त्र यथा बाइबिल या कुरान आते हैं तो वे उनमें रुचि नहीं दिखाते। ऐसे व्यक्ति भगवान द्वारा उसी प्रकार से निंदित होते हैं जिस तरह सूकर होता है, जिस प्रकार सूकर है। सूकर मल खाने में रुचि दिखाता है। यदि उसे घी अथवा दूध की बनी कोई उत्तम वस्तु दे दी जाए तो वह उसे ग्रहण नहीं करता, वह दुर्गंधमय मल को ही सबसे स्वादिष्ट समझता है। भौतिकतावादी पुरुष इसीलिए निंद माने जाते हैं क्योंकि वे दिव्य कार्यकलाप में रुचि न रखकर नारकी कार्यों में रुचि प्रदर्शित करते हैं। भगवान के कार्यकलापों का संदेश अमृत है, इसके अतिरिक्त कोई भी सूचना नारकी है। फिर है? क्या होता है शरीर छोड़ने के बाद उनका? कपिल भगवान कहते हैं, ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवारों में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर
जीवन के अंत तक पुनः वही कर्म करते हैं। दक्षिणेन पथार्यमण पितृलोकम व्रजन्ते प्रजा मनु प्रजायन्ते स्मशानान्ते क्रिया कृतः। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं भगवद्गीता में 9:21 कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति उच्च लोकों को जाते हैं, जब उनके जीवन भर के कर्म चुक जाते हैं तो वे इस लोक में वापस आ जाते हैं। इस तरह वे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। जो उच्च लोक को गए थे वे उसी परिवार में लौटते हैं जिनसे वे परम अनुरक्त थे। वे जन्म लेते हैं और पुनः उनके कर्म आजीवन चलते रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक अनेक अनुष्ठानों का विधान है और ऐसे लोग इन अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। उसी घर में जन्म लेते रहते हैं बार बार। और कभी कभी तो कर्म ऐसा बिगड़ जाता है तो उसी घर में उनको चूहा बनना पड़ता है या कुत्ता बनना पड़ता है या कीड़ा बनना पड़ता है ना। आगे कपिल भगवान कहते हैं जब उनके पुण्य कर्मों का फल चुक जाता है तो वे दैववश नीचे गिरते हैं और पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाए। ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकम इमं सती पतंती विवशा देव सद्यो विभ्रंशितोदय। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं कभी कभी देखा जाता है कि सरकारी नौकरी में उच्च पद आसीन व्यक्ति अचानक ही नीचे आ जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता। इसी प्रकार सुखोपभोग का समय बीत जाने पर मूर्ख व्यक्ति जो उच्च लोकों में अध्यक्ष पद तक उठने के इच्छुक रहते हैं नीचे गिरकर इस लोक में आते हैं। एक भक्त और सकाम कर्म में आसक्त एक सामान्य व्यक्ति के उच्च पद में ये अंतर होता है। देखो दोनों का पद ऊंचा है ना, जो सकाम कर्मी उसका पद भी ऊंचा है और भक्त का भी पद ऊंचा है। नहीं अंतर क्या है कि वो ऊपर से नीचे गिरता है ना, और जो भक्त है वो ऊपर जाता है वैकुंठ में जाता है। ये अंतर होता है कि वैकुंठ गया हुआ भक्त कभी नीचे नहीं गिरता जबकि सामान्य व्यक्ति गिरता है, भले ही वह उच्चतम लोक ब्रह्म लोक को ही क्यों ना प्राप्त हो। भगवद गीता में पुष्टि हुई है आ ब्रह्म भुवनान लोका, कि चाहे वह उच्च लोक को ही प्राप्त क्यों ना हो उसे पुनः नीचे आना होता है। किंतु भगवद गीता में ही 8:16 कृष्ण द्वारा पुष्टि की गई है कि माम पेत तो कौन थे पुनर्जन्म वेदते, हे कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वो कभी संसार के बद्ध जीवन में वापस नहीं आता। अब कपिल भगवान माता देवहूति से क्या कहते हैं, अतः हे माता मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें जिनके चरण कमल पूजनीय है, इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकेंगे। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्वं परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रया भक्त्यां भजनीय पदाम्बुजम्। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं परमेष्ठिनम शब्द का प्रयोग कभी कभी ब्रह्मा के लिए किया जाता है। परमेष्ठी का अर्थ है परम पुरुष। जिस तरह इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही परम पुरुष हैं उसी तरह वैकुंठ में कृष्ण परम पुरुष हैं। भगवान कपिल देव अपनी माता को सलाह देते हैं कि वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाएं क्योंकि यही श्रेयस्कर है। यहाँ ब्रह्मा तथा शिव जैसे उच्चतम पदों में आसीन देवताओं की शरण ग्रहण करने की सलाह नहीं दी गई, मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आगे कपिल भगवान कहते हैं कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यन ब्रह्म दर्शनम। तो यहाँ हमने चर्चा की कपिल भगवान का जो उपदेश है माता देवहूति के प्रति, तो आज का जो श्लोक है भगवद गीता का इसमें भगवान रजोगुणी धारणा का वर्णन कर रहे हैं है ना। तो श्रीमद् भागवत में जो है भगवद गीता के सिद्धांतों को ही और विस्तृत रूप दिया गया है ना। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? इनका प्रश्न है कि कर्दम मुनि जो तपस्या कर रहे थे तो उनकी पत्नी जो देव होती थी तो उन्होंने सब प्रकार के भोगों को त्याग दिया कर्दम मुनि की सेवा में, लेकिन फिर कर्दम मुनि ने इतना जो है भोग ऐश्वर्य क्यों तैयार किया, बहुत बड़ा विमान है और सब प्रकार की भोगी सुविधाएं हैं वो क्यों तैयार की? यहाँ ये समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति में जो है जो भौतिक कामनाएं हैं
वो जल जाती हैं। अब वो कामनाएं जो भौतिक कामनाएं हैं वो इतनी तीव्र नहीं होती हैं कि उनको जो है ना कोई व्यक्ति जब पूरा करे तो उससे और कामनाएं पैदा हों। इसी प्रकार से है जैसे कि बीज, किसी भी अन्न का जो बीज होता है अगर आप भून देते हैं या उबाल देते हैं तो फिर उसमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं होती, अब उससे और बीज पैदा नहीं होंगे। अन्यथा क्या होगा, एक बीज को आप बोते हो है ना तो उससे कितने बीज पैदा होते हैं, असंख्य बीज पैदा होते हैं। इसी वजह से एक भौतिक इच्छा को कोई व्यक्ति पूरी करता है तो उससे असंख्य इच्छाएं और पैदा होती हैं, है कि नहीं। लेकिन वही बीज अगर जो है भगवान की भक्ति की अग्नि में जल जाए, भुन जाए या उबल जाए तो फिर उसमें जो है आप बोते हो तो उससे और बीज पैदा होने होंगे। तो उसी प्रकार से जो है देवहूति ने जो है कर्दम मुनि की सेवा की ना, कर्दम मुनि की संगति प्राप्त की है ना, तो भौतिक इच्छाएं जो है ना छीण पड़ गई, कमजोर पड़ गई। अब भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं तो और भौतिक इच्छाएं नहीं होती उनमें, है कि नहीं। तो माता देवहूति फिर जो है ना स्वयं ही निर्विण हो गई, विरक्त हो गई है ना। निर्विण्णा नितरा भूमन असत इंद्रिय तर्सनात् देवहूति कहती हैं, ये असत इंद्रियों की जो कामना है इससे मैं बहुत ज्यादा ऊब चुकी हूँ, बहुत मुझे अब मतलब क्या है बोर हो गई बहुत ज्यादा, है ना। तो ये चीज जो है मतलब होती है। लेकिन जहां तक इनकी बात है, पुनः पुनः शरबत चरमणाना, चबाए हुए को फिर चबाते हैं, चबाए हुए फिर चबाते हैं, है ना। तो ये अंतर है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि जैसा हमने बताया काम मूड उनको कहा गया है जो तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी गोपेश्वर महादेव का रोज दर्शन किया करते थे। भगवत गीता में देवताओं की पूजा भी तीन गुणों में बतलाई है भगवान ने, जिसको कि आप कह सकते हैं यज्ञ है। यज्ञ तीन प्रकार का बताया है, तो यज्ञ जो है ना देवताओं की आहुति दी जाती है, देवताओं के लिए आहुति डाली जाती है, तो एक प्रकार से देवताओं की पूजा है यज्ञ भी। तो भगवान ने बताया कि तमोगुण में यज्ञ यानी देवताओं की पूजा कैसी होती है, रजोगुण में कैसी होती है और सत्वगुण में कैसी होती है ना। तो तमोगुण में तो भगवान ने बताया है विधिहीनम, वो विधि वो अविधि पूर्वक करते हैं, वो विधि का ही पालन नहीं करते हैं। अश्रष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम, बिना श्रद्धा के करते हैं, मंत्र भी उच्चारण सही नहीं होता है, दक्षिणा भी नहीं देते ब्राह्मणों को, तो वो तो तमोगुणी पूजा है, है ना। और रजोगुणी पूजा वो है जिसमें कि कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है भौतिक कामनाओं को प्राप्त करने के लिए, है ना। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थम अभी चैव्यत् इजते भरस्तिष्ठम यज्ञम विधि राजसम, तो उसमें कोई व्यक्ति पूजा करता है तो फल का अभिसंधान करके करता है कि मुझे ये फल प्राप्त करना है, मुझे वो फल प्राप्त करना है, है ना। रजोगुणी पूजा है। और सत्वगुण में पूजा होती है देवताओं की, तो किस प्रकार की होती है, भगवान कहते हैं अफलाकांक्षी फिर यज्ञ विधि दृष्टो या इजते, विधि दृष्टो शास्त्र विधि में जैसा बताया गया है उस प्रकार की विधि से वो देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। इष्टव्य में भी तिमना समाधान है साधु का, तो पूजा करनी चाहिए इस प्रकार से मन को समाधान करके वो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो सत्वगुण में कोई व्यक्ति अगर देवताओं की पूजा करता है तो भौतिक कामनाओं से नहीं करता वो, है ना। तो उससे फिर जो है उसको जिज्ञासा पैदा होती है कि ये मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, और ये जन्म मरण का जो कष्ट है क्यों भोगना पड़ रहा है, इस बंधन से कैसे छुटकारा पाए, आप समझे ना। क्योंकि सत्वगुण में उसका देवताओं से कोई संबंध नहीं होता है, वो जो है देवताओं की पूजा करता है, पूजा करना चाहिए इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई वैसे संबंध नहीं आपसे। सत्वगुण व्यक्ति जो है ना उन देवताओं से कोई संबंध नहीं रखता है, वो पूजा करना चाहिए इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, बाकी कुछ लेना देना नहीं। जैसे नंद महाराज इंद्र की पूजा कर रहे थे, है ना, तो भगवान ने पूजा बंद करा दी, है ना। तो भगवान ने जो पूजा बंद करवाई वो क्यों बंद कराई, क्योंकि इंद्र को अपमान हो रहा था,
इंद्र को अभिमान बताया, नहीं तो नंद महाराज को कोई इससे वो मतलब कुछ लेना नहीं था। नंद महाराज को ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा से कोई भौतिक कामना नहीं थी कि कुछ भौतिक कामना है हमारी पूरी होने, नहीं थी। वो कर रहे थे कि चली आ रही है पूजा और करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, और कोई उनके अंदर कोई विचार नहीं था। तो इस प्रकार से कोई बंधन नहीं है, इसमें कर्म बंधन नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति रजोगुण में है तो फिर जो ना हमेशा सोचता है कि भाई मुझे क्या मिलने वाला है, मैं कितना दे रहा हूँ, मुझे कितना मिलेगा, है ना। तो वो जो है फिर कई प्रकार के भौतिक कामनाएं करते हैं। और कोई प्रश्न किसी का, तो मैं प्रश्न करूं। कपिल भगवान ने जो माता देवहूति को शिक्षा दी है तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो प्रकार के जो है विवाहित जीवन बताते हैं। कौन से हैं दो प्रकार के विवाहित जीवन? हाँ, एक गृहमेधी जीवन और दूसरा गृहस्थ जीवन, है ना। क्या अंतर है गृहमेधी जीवन में और गृहस्थ जीवन में? परिवार के लिए जीता और गृहस्थ भगवान के लिए। गृहमेधी जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो आजकल जो है ना क्या है, विवाहित कोई व्यक्ति होता है तो बस उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति करना, है ना। अभी तो धर्म भी नहीं रह गया, वो तो फिर वो जो है गृहमेधी में भी कम से कम वो धर्म अर्थ काम तीन चीजें तो हैं। अभी तो धर्म भी खत्म हो गया, अर्थ और काम रह गया, लेकिन वो तो पशु का है जीवन। यहाँ तो गृहमेधी में भी कम से कम वो मनुष्य है तो मनुष्य जीवन से कुछ उन्नति वो कर तो रहा है, हालांकि वो उन्नति आगे चल करके फिर मतलब खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ तो कर रहा है वो, और दोबारा अवसर तो प्राप्त कर रहा है मनुष्य के जीवन का है। लेकिन ये जो आजकल का जो जीवन है गृहमेधी से भी ज़्यादा बदतर है, बिल्कुल पशु का जीवन है। गृहमेधी तो फिर भी कम से कम मनुष्य कहलाता है, क्योंकि धर्म तो है उसके जीवन में, धर्मेण ही ना पशु भी समाना है। तो चार पुरुषार्थों में गृहमेधी का जीवन जो है गृहस्थ के जीवन में चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और गृहमेधी के जीवन में तीन ही हैं, धर्म अर्थ काम। लेकिन पशु के जीवन में केवल दो ही हैं, धर्म भी निकल गया, अर्थ और काम है कि नहीं। बस मेहनत करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और फिर वो छुट्टियां मनाते हैं और काम भोग करते हैं, धर्म और काम ये रह गया है। और प्रभुपाद ने क्या बताया है कि वे भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान की कथा को मानते हैं काल्पनिक, और क्या सुनते हैं? हाँ हाँ, जो काल्पनिक उपन्यास हैं, है? और भी जो इस प्रकार की जो कहानियां हैं, रोचक कथाएं कहानियां हैं, उनमें ज्यादा मन लगाते हैं, है? लेकिन जो भगवान की कथाएं हैं ये किसी प्रकार कम नहीं, किसी उपन्यास से कम नहीं है, है कि नहीं। जो भी इस भौतिक संसार में सुख कोई व्यक्ति सोचता है, कल्पना करता है, चाहे वो खेल खेलना है, क्रिकेट मैच देखना है, इससे कोई सुख की कल्पना करता है, या कुछ और भी कथा कहानियों से, उपन्यास से, या सिनेमा सिनेमा देख करके जो सोचता है कि सुख प्राप्त होता है, तो वो सब सुख जो है ना भगवान की कथा में मिलता है, भगवान की कथाओं में सब सुख मिलता है, है ना। हाँ, तो भगवान की कथाएं बड़ी आश्चर्ययुक्त हैं, है ना। तो आज भक्तिमरत प्रभु जो दोपहर का प्रवचन था उसमें बता रहे थे कि जैसे कोई हीरो होता है ना, फिल्मी हीरो होता है, तो जब बड़ा लोकप्रिय हो जाता है तो लोग उस हीरो को पसंद करते हैं, तो फिर उसकी जितनी फिल्में बनती हैं सब फिल्मों को देखते हैं, जो भी फिल्में, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान जो ना हीरो हैं, तो भगवान जितने अवतार लेते हैं तो भक्त जो है ना उनके सब अवतारों को सुनते हैं, है? तो उनकी उसी प्रकार से रुचि होती है भगवान में, है? जैसे कि आजकल के लोगों की जो ना हीरो में रुचि होती है ना।
तो कहते हैं भाई ये हीरो इस फिल्म में उसने ये काम किया, इस फिल्म में उसने ये काम किया, इस फिल्म में ये काम किया, है कि नहीं, और ये और ये घटनाएं हुई, वो घटनाएं हुई, ऐसा है ना। उसी प्रकार से जो भक्त लोग हैं वो चर्चा करते हैं भगवान से, इस अवतार में उन्होंने ये रूप धारण किया, इस अवतार में ये रूप धारण किया, ये काम किए, वो काम किए। तो सब जो ना जब इसमें आनंद लेते हैं तो आनंद फिर बढ़ता जाता है, आनंद आमुद्धि बढ़ा, और नई नई बातें आती हैं भगवान के चरित्र की, नई नई बातें आती हैं, है ना। शेष जी जो है भगवान के गुणों का वर्णन अपने हजार मुखों से कर रहे हैं, है ना, और तो भी अंत नहीं मिल रहा उनको। तो ये चीज है, अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है और जो है आनंद लेना चाहता है तो फिर भगवान ऐसा उसे रास्ता देते हैं जैसे उसका आनंद बढ़ता जाता है, उसकी रुचि बढ़ती जाती है, उसको जो है ऐसा रास्ता मिलता जाता है, उसको नई नई जो है ना भगवान की जो लीलाएं हैं वो प्रकट होने लगती हैं। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पान सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम।